नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त यश बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया हूं भाई सिनॉपसिस ने इंटर्नशिप निकाली है 2023 बैच के लिए भाई आप पैकेज यहां पर देख सकते हैं भाई ड्यूरिंग इंटर्नशिप जब आप इंटर्नशिप कर रहे होगे तो मिनिमम आपको 2.4 लाख का पैकेज मैक्सिमम 6 लाख का पैकेज मिलेगा इट इज डिपेंडिंग ऑन योर इंटर्नशिप परफॉर्मेंस एज वेल एज आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट रहेगा ऑन एन एवरेज 4.5 लाख का पैकेज एज इंटर्न आपको मिल रहा होता है अगर आपने अच्छा काम किया कंपनी में आफ्टर इंटर्नशिप जब आप फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपनी में करोगे तो आपको बारह लाख का पैकेज ये लोग प्रोवाइड करेंगे तो अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको जॉब भी ये लोग देने वाले हैं भाई पहले ही बता देता हूं ये जॉब केवल कंप्यूटर साइंस आई एंड रिलेटेड ब्रांच के लिए इलेक्ट

वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगा भाई स्ट्रेट अवे हम मूव कर जाते हैं अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई जॉब रोल टेक्निकल इंजीनियरिंग डेवलप का होने वाला है डिग्रीज बीटेक एमटेक एलिजिबल हैं भाई 2023 बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई भी अगर फील्ड से आपने यू you नो know, कर रखी है अपनी यू नो ब्रांच आपकी हो रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है सिक्सटी से कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो टेन्थ ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन में कोई भी बैकलॉग क्राइटेरिया नहीं है तो अगर आपका कोई भी बैकलॉग है तो भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो कोई भी ईयर गैप क्राइटेरिया नहीं है भाई कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन से कुछ स्किल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं भाई

पर आपकी अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए यूनिक्स बेस्ड पे आपने कभी ना कभी काम किया होना चाहिए और वर्बल और रिटर्न आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए जॉब लोकेशन जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बैंगलोर या हैदराबाद में से कुछ होगा अप्लाई करने की लास्ट डेट यार मेंशन नहीं है लेकिन एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं बहुत सारे बच्चे उसको देखते हैं अप्लाई करते हैं और रजिस्ट्रेशन फाइनली फिर क्लोज हो जाता है तो मेक मेकश्योर तुरंत ही मेरे साथ साथ आप अप्लाई करते चलिएगा भाई एग्जाम की डेट और प्रोसेस क्या होने वाली है ये अभी तक मेंशन नहीं है तो मेक मेकश्योर sure आप पहले से प्रिपेयर रखें देखिए हायरिंग प्रोसेस इंटर्नशिप का ऐसा कुछ मेंशन नहीं हो सकता है केवल आपका इंटरव्यू हो और आपको हायर कर लें लेकिन टिपिकल जो सिनॉप्सिस का एग्जाम का हायरिंग पैटर्न होता है वो डिस्कस कर लेते हैं हो सकता है इंटर्नशिप में भी सेम पैटर्न

एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेंशन कर रखी है उसमें से भी सवाल पूछे जा सकते हैं आप जल्दी से देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है भाई आपको डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक देखेगी बच्चों इस अप्लाई लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस तरह की एक पेज पर आ जाओगे इंटर्न टेक्निकल इंजीनियरिंग पूरी डिटेल जो मैंने प्रोवाइड की है वो यहाँ पर लिखी हुई है आप देख सकते हो आपको अप्लाई टू जॉब पर क्लिक करना है आप जैसे अप्लाई टू जॉब पर क्लिक करोगे आप फेसबुक ट्विटर वगैरह से भी साइन इन कर सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको डोंट हैव एनी अकाउंट यट पर क्लिक करना है क्योंकि हमने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे तो डोंट हैव एनी अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर एग्री बटन पर क्लिक करना है फिर पूरी डिटेल हम फिल आउट करेंगे हम अपना ई मेल डाल लेते हैं फटाफट से राइट right? और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना एट टू ट्वेंटी फाइव कैरेक्टर्स का होना चाहिए और एटलीस्ट इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए भाई तो अपन जल्दी से पासवर्ड बना लेते हैं भाई अपन ने पासवर्ड एंटर किया देखिए दोनों पे ग्रीन टिक आ गए यानी दोनों कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दिए दोबारा से उसी पासवर्ड को री एंटर कर लीजिएगा मैच कर जाएगा तो ग्रीन टिक आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन भरने पड़ेंगे भाई आप देख लीजिएगा जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके लिए सही है वॉट इज़ द सिटी ऑफ योर फर्स्ट स्कूल ठीक है भाई ये मुझे पता है तो मैं डाल देता हूँ ठीक है दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो भाई ठीक है उसके बाद चलिए वॉट इज़ योर फादर्स मिडिल नेम ठीक है ये डाल देता हूँ उसके बाद तीसरा देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन दे वॉन्ट अस टू सेलेक्ट इस कोई भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हो राइट right? है ना वॉट इज द नेम ऑफ द स्ट्रीट विच यू लिव फाइव ईयर्स ओल्ड चलो भाई ये भी डाल देता हूँ मैं तो कुछ क्वेश्चन हमने डाल दिए कंटिन्यू पर क्लिक किया है ना सिक्योरिटी आंसर्स मस्ट बी यूनिक चलिए अच्छा इसका और इसका क्वेश्चन सेम हो गया तो कोई बात नहीं अपन क्वेश्चन चेंज कर लेंगे भाई ग्रांड फादर का आई थिंक पहला नेम पूछा है फर्स्ट नेम पूछा हुआ है तो वो डाल दिया मैंने चलिए ठीक है कंटिन्यू पर क्लिक किया देखिए अब यहाँ पर आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए एस्टिमेटेड टाइम सेवन टू नाइन मिनट्स से लेट्स गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक करेंगे भाई जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे वेरी गुड लास्ट नेम जो रेड मार्क्ड है केवल वो कंपलसरी उनको फिल कर लीजिए एड्रेस आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा लेकिन कंट्री आपको मेंशन करनी पड़ेगी वेरी गुड बहुत बढ़िया सिटी नहीं भी डालोगे तो चलेगा स्टेट आपको मेंशन करना पड़ेगा जिसके ऊपर रेड मार्क्ड है वो कंपलसरी है मध्य प्रदेश राइट वेरी गुड ये मैचेस में क्यों नहीं आ रहा है शुड ideally कम एक बार देख लेते हैं भाई क्या सीन है ये कुछ टेक्निकल ग्लिच भी कई बार हो जाती हैं आपसे आपका स्टेट पूछा है चलिए वेरी गुड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ये कंट्री इंडिया जो है आई थिंक सिलेक्ट नहीं हुई है स्टेट प्रोविंस में आ जाते हैं एक बार दोबारा देखिए दोबारा से अपनी कंट्री एक बार सिलेक्ट कुछ टेक्निकल ग्लिचेस कई बार हो जाते हैं मैंने इंडिया सिलेक्ट किया अब स्टेट में आ गया मैं देखिए अब इंडिया सेलेक्ट हुआ है पहले सेलेक्ट नहीं हुआ था प्राइमरी फ़ोन नंबर आप डाल दीजिए ये मैं डमी डाल रहा हूँ प्लीज़ इस पर कॉल वॉल मत कर दीजिएगा ठीक है ईमेल आईडी आई डी अपन हो गई फिर आपको यहाँ पर जेंडर डालना है अब ही हो या शी हो भाई वो जेंडर डाल दिया अब एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस डालना कंपलसरी है लेकिन ये फ्रेशर्स के लिए है जॉब अपॉर्चुनिटी बेसिकली तो अगर आपने कोई इंटर्नशिप कर रखी है तो उसका एक्सपीरियंस डाल सकते हैं अगर कोई इंटर्नशिप नहीं भी कर रखी है इफ़ यू हैव नो वर्क एक्सपीरियंस प्लीज़ एंटर स्टूडेंट इन द रिक्वायर्ड फील्ड तो अगर इनकेस आपने इंटर्नशिप कर रखी है तो वो डाल सकते हो लेकिन अगर इंटर्नशिप नहीं कर रखी है तो भाई कंपनी में भी स्टूडेंट डालो जॉब टाइटल में भी स्टूडेंट डालो स्टार्ट ईयर बच्चों 2022 डालिएगा एंड ईयर 2022 डालिएगा अगर स्टूडेंट डाल रहे हैं क्योंकि आप 2023 डालोगे तो वो वार्निंग दे देगा कि आपको 2000 यू नो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2023 डाला तो इट विल गिव यू अ वार्निंग कि चलिए कोई वार्निंग नहीं दे रहा बाकी मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 2022 डालिएगा क्योंकि ऐसा है कि आप कहीं पर काम ऑलरेडी आपका फिनिश हो चुका हो ये दिखना चाहिए है ना दिस इज़ माय मोस्ट रीसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी स्टूडेंट डाल दीजिएगा अगर कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो तो स्टार्ट ईयर एंड ईयर आप डाल दीजिए और डन पर क्लिक कर दीजिए 2023 भी डालोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अगर स्टूडेंट डाल रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है आप 2022 डालिए वो ठीक रहेगा तो टू एट अ सेफर साइड उनको ऐसा ना लगे कि 2023 में भी आप काम कर रहे हो हालांकि हमने एनडीआर डाल दिया है वैसे लेकिन फिर भी ठीक है 2022 हज़ार बाईस डालिए अगर इनकेस आपने कहीं काम किया है तो जो भी जेन्यून डिटेल्स है वो आप फिल कर दीजिए आपको स्किल्स एड ऑन करनी पड़ेंगी बच्चा पचास स्किल्स मैक्सिमम है तो जो भी आपकी स्किल्स हैं वो आप डालिएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस इस माई स्किल अब सी प्लस प्लस में बहुत सारे ऑप्शन आ गए सी प्लस प्लस में भी क्या चीज़ आपको ज़्यादा बेटर आती है वो आप फिल आउट कर दीजिएगा यहाँ पर है ना तो फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस में मुझे एरेस का आइडिया है बेसिक इनपुट आउटपुट का आइडिया है बेसिक सिंटेक्स क्लासेस कॉन्स्टेंट्स कौन, डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा टाइप्स डिसीजन मेकिंग डायनामिक मेमोरी ये सब मेरे को आइडिया है फंक्शंस का आइडिया इनहेरिटेंस का आइडिया लूप्स का आइडिया है ठीक है पॉइंटर्स का आइडिया है ये मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल ठीक है उसके बाद पाइथन आती है मुझे तो मैं पाइथन डालने के लिए बच्चों आपको ये करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर क्लिक करिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर आप आएंगे नीचे और नीचे स्क्रोल करिएगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर देखिए दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दिखेंगी इसमें सी और सी प्लस प्लस नहीं दिखेगी बट आपको कोर जावा दिख जाएगी यहाँ पर आपको यहाँ पर पाइथन भी दिख जाएगी देखिए नीचे स्क्रोल करिएगा वेरी गुड वेरी गुड यहाँ पर आपको डेफिनेटली फॉर श्योर पाइथन दिखने वाली है एम एन ओ पी ओ के बाद नीचे पी आएगा आपका तो ये अदर्स नॉट इम्पॉर्टेंट है उसके बाद नीचे आपको पाइथन डेफिनेटली देखने को मिलेगा जस्ट अ सेकेंड नीचे स्क्रोल करते जाइए स्क्रोल करते जाइए या तो एक काम कीजिए यहाँ पर आप पाइथन डालेंगे तो मे बी शायद सर्च में ही आ जाए नो no मैच है क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम टू सेम केसेज हैं तो आप एक काम कीजिएगा पाइथन डालिएगा तो आपको ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये देखिए पाइथन देखने को मिल जाएगा ठीक है इसके बाद मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम आता है फॉर एग्जाम्पल तो मैंने वो मैंशन कर दिया ठीक है अब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर टॉपिक्स दिखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या क्या आता है तो ये थोड़ा सा कम्बर सम है इसलिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए देखिए भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट में मल्टी थ्रेडिंग आती है मेमोरी इनपुट आउटपुट हार्डवेयर आता है मुझे वर्चुअल मेमोरी प्रोसेस मेरे को आते हैं जो जो भी मेरे को आते हैं वो मैंने डाल दिए उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे डेटा स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर में एरे मेरे को आता है बेसिक्स आते हैं डेटा स्ट्रक्चर के ग्राफ आता है लिंक लिस्ट आता है क्यू आता है रिकर्शन आता है सर्चिंग टेक्निक्स सॉर्टिंग टेक्निक्स स्टैक आता है ट्री आता है राइट right? तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं इस तरीके से अपनी स्किल्स जो भी हैं आप वो मेंशन कर सकते हो फिर एजुकेशन हिस्ट्री में आप जाइएगा तो आपका जो डिग्री आपने कर रखी है वो डिग्री का कॉलेज डालिएगा लेकिन हो सकता है कि आपका कॉलेज आपको मैच ना करे अगर मिल जाए फॉर एग्ज़ाम्पल तो ठीक है चलो मेरे कॉलेज का नाम नहीं मिल रहा तो मैं सिटी का नाम डालूंगा हो सकता है सिटी के नाम में मिल जाए भाई अभी मुझे अपने कॉलेज का नाम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं आप अदर पे क्लिक करोगे तो अदर का ऑप्शन आ जाएगा तो अगर आपका कॉलेज आपको मिल रहा है वेलन गोडे नहीं मिल रहा है तो जिससे या तो अदर डाल दीजिए या तो जिससे एफिलिएटेड है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आर यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलिएटेड है तो मैं देखता हूँ भाई आर दिख रहा है क्या मेरे को राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्व विश्वविद्यालय वो डाल दिया अगर आपका ऐसा है कि कॉलेज भी नहीं मिल रहा जिससे एफिलिएटेड है वो यूनिवर्सिटी भी नहीं मिल रही है तो इन दैट केस आप अदर एंटर कर सकते हैं ग्रेजुएशन ईयर 2023 डालना है यस दिस इज माय मोस्ट रीसेंट अब यहाँ पर मेजर एरिया ऑफ स्टडी में क्या डालेंगे आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या जो भी आपकी ब्रांच है है ना उसके बाद डिग्री पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए बैचलर्स डिग्री मास्टर्स डिग्री अलग अलग ऑप्शन आएंगे तो हमने बैचलर्स डिग्री पे क्लिक किया जीपीए पे आए तो 8.5 पॉइंट फाइव जी पी ए हमने यहाँ पर एंटर कर दिया बस केवल आप अपने कॉलेज की डिटेल डाल दीजिए दैट इज मोर देन सफिशियंट भाई यस एड रेज्यू में आप क्लिक करेंगे भाई तो यहाँ पर आप अपना रेज्यू में जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं मैं अपना रेज्यू में जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एज ए पी फाइल ये मैंने रेज्यूम अपना सेलेक्ट कर लिया सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया ठीक है हाउ डू यू हेयर अबाउट में आपको अदर पे क्लिक करना है और यहां पर आपको डालना है नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल इस तरीके से डाल देना है, एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है अब वो बोल रहा है एक बार आप अपना जेंडर बताइए भाई अपन ने अपना जेंडर बता दिया फिर वो बोल रहा है एक बार सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए एक बार आप अपनी पूरी डिटेल रिव्यू कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस करना है इस बटन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं सारी की सारी एक बार आप अपनी चीज़ें देख लीजिएगा ठीक है और रेज्यू में अपना लेटेस्ट सबमिट करिएगा अपडेटेड सबमिट करिएगा क्योंकि ये रेज्यूम में बेस्ड हायरिंग है है ना जैसे ही सबमिशन हो जाएगा यहाँ हंड्रेड परसेंट लिखा आ जाएगा और आपका सीवी रिसीव हो चुका है आपकी स्किल्स हम रिव्यू करेंगे और अगर रिक्वायर्ड जो टेक्निकल इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप पोजिशन है उसके लिए आप फिट बैठते हो तो हमारी टीम से आपको मेल आएगा जो टीम है वो आपको कॉन्टेक्ट करेगी तो मेक मेकश्योर sure अपना मेल जो है वो चेक करते रहिएगा राइट तो मेक मेकश्योर sure इस जॉब में अप्लाई कर दीजिए भाई और कंप्लीट प्लेसमेंट के लिए आप मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं इसके अंदर हर चीज़ आपको मिलेगी बच्चा प्लेसमेंट के लिए ए टू जेड सारी चीज़ें इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं कंप्लीट एप्टीट्यूड है लॉजिकल रीजनिंग वर्बल एबिलिटी कोडिंग में सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन सब प्रेजेंट है कंप्यूटर साइंस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डी बी एम एस डेटा स्ट्रक्चर सेल्कोदम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरव्यू एंड रेज्यूम प्रिपरेशन कोर्स भी आपका रेज्यूम मैं खुद वेरीफाई करूंगा, खुद वन ऑन वन आपको मॉक इंटरव्यू लूंगा उसके बाद आपको फीडबैक कॉल दूंगा बाकी बच्चों के भी आप इंटरव्यूज चेक कर सकते हो टी का कोर्स है विप्रो का कोर्स है कैपजेम का कोर्स है इन्फोसिस कॉगनीज एंड एक्सेंचर इन्फिटी क्यू हेजेवर एल टी आई सारी बड़ी कंपनीज के कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहे हैं भाई नीचे आप जाएंगे तो रिव्यू एंड रेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो बच्चों के आप फीडबैक भी देख पाएंगे राइट तो मेक श्योर sure आप इस कोर्स को परचेस कर लीजिए डिफरेंट डिफरेंट वैलिडिटी ऑप्शन है भाई कुछ नहीं करना परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो भाई सीधा आप तो गूगल पर टाइप करो मेरा प्लेसमेंट होगा जो टॉप की चीज़ होती है भाई गूगल बाबा सबसे पहले रिकमेंड कर देता है भाई ये क्या चक्कर है कोई दिक्कत नहीं है भाई माउंटेन्स और हिल्स बोल रहे हैं ठीक है भाई कुछ सिक्योरिटी चेक्स चाहिए उनको कर दिया हमने सिक्योरिटी चेक देखिए मेरा प्लेसमेंट होगा सबसे ऊपर आ जाएगा इस पर आप क्लिक करिएगा मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शन है चेंज वैलिडिटी पर क्लिक करके आप अपने मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शन से वो चूज कर सकते हैं आप थर्टी डेज का भी वैलिडिटी ले सकते हैं राइट right? तो थर्टी डेज में भैया कैसे कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए फिफ्टी आर्स का रैपिड फायर क्रैश कोर्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है इसको आप देखिएगा तो इसमें स्पीडी प्रिपरेशन के लिए ये है कि जल्दी से अगर प्रिपरेशन करना है तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर कवर्ड हैं राइट तो मेक श्योर sure आप इसको ज़रूर से परचेज़ करें डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दिख रहे होंगे उन पर कॉल करके आप कोर्स की सारी डिटेल जो है वो जान सकते हैं और मैं बिल्कुल डिटेल में आपके लिए जॉब अपडेट्स बनाता जा रहा हूँ और भी बनाऊंगा लेकिन आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट में एक दिल ज़रूर बना दीजिएगा और कोई भी डाउट एंड कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा विश यू ऑल द बेस्ट